ये हमारा वंश तो छोटा ही था, हमारे पास था ही क्या, पांच भाई छोटी सी सेना और कौरव महाराज इतना विशाल सागर था, और मेरे दादाओं को मारने के अनेक अनेक प्रयास करते थे वो। बोले प्रविश्य लाक्षा भवने ददाहम, लाक्षा ग्रह में प्रवेश करके जलाने का षड्यंत्र किया उन्होंने, पर मेरे गोविंद ने ऐसी कृपा कर दीनी महाराज जिससे वो सुरक्षित निकल आए। जिस समय महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था ना, तो सब सोचने लगे कि अब तो महाभारत होकर के ही रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। युधिष्ठिर ने कहा गोविंद मेरी एक आपसे विनती है। बोले कहो। बोले मैं चाहता हूं ये महाभारत न हो, क्योंकि मुझे मालूम है युद्ध से किसी का भला संसार में हुआ नहीं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी किसी का सुख प्राप्त हो नहीं सकता युद्ध के माध्यम से। सो प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, आप जाकर के इसको रुकवा दीजिए। भगवान ने कहा जो विधि का विधान है वो तो संभवता होकर के ही रहेगा, उसको कौन टाल सकता है, परंतु आप जब ज्यादा आग्रह करते हो तो मैं शांति दूत बनकर के जाता हूं, जैसी परमात्मा की इच्छा होगी मैं रोकने का प्रयास करूंगा उसको। श्री श्याम सुंदर प्रभु धीरे धीरे जाकर के शांति दूत बनकर के पहुंचे। द्र्योधन ने सुना कि महाराज शांति दूत बनकर के गोविंद आ रहे हैं, तो उसने अंदर में कपट तो रखता ही था, परंतु उसको एक भय और था कि संसार में जितनी बड़ी सेना कृष्ण के पास है आज, उतनी बड़ी सेना किसी संसार में किसी राजा के पास नहीं है। इनकी सेना का नाम क्या है? बोले नारायणी सेना। विशाल सेना का सागर है इनके पास, तो मुझे लगता है कभी इनकी सेना मुझे प्राप्त हो जाए तो फिर मुझे युद्ध में कौन हरा सकता है। अंदर तो कपट है परंतु बाहर मैत्री का परिचय दे रहे हैं, भगवान के स्वागत के लिए बहुत सुंदर सुंदर दरवाजे सजवाए, तोरण लगवाए, जगह जगह कलश रखवाए, गोबर का चौका लगवाया, इत्र छिड़कवाए महाराज, दास दासियों को हवा के लिए जगह जगह खड़ा कर दिया, सुंदर सुंदर रथ भिजवा दिए कि गोविंद के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करें, अट्टालिकाओं पर बालिकाओं को बिठाल दिया, कन्याओं को बिठाल दिया, माताओं को बिठाल दिया कि गोविंद जब इस नगर में निकलें तो सभी लोग उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि करते हुए जाना। ऐसा सुंदर स्वागत, गोविंद तो सब कुछ जानते हैं, जो कणकण में रहने वाला है उससे क्या छिपा हुआ है। उन्होंने देख लिया कि पुष्प तो बहुत सुंदर है परंतु इसमें से स्वार्थ की बू आती है, तो ये मेरे लिए उपयोगी तो बिल्कुल नहीं हो सकती महाराज। गोविंद का चारों तरफ स्वागत हो रहा है और गोविंद एक टकील टकटकी लगा करके इधर उधर देख रहे हैं। विदुर जी ने पूछा देवी तुम्हें पता है आज हमारे नगर में कौन आने वाले हैं? बोले महाराज मुझे तो नहीं पता, बताइए ना आप। बोले आज द्वारकाधीश मेरा गोविंद मेरे नगर में आ रहा है, क्या दर्शन करने नहीं चलोगी आप? बोले महाराज ऐसा दुर्भागी कौन होगा जो गोविंद को आते हुए देख करके भी मुखारविंद फेर लेगा, मैं तो उसको अपनी आंखों में भरना चाहूंगी। विदुर विदुरानी दोनों पहुंचे। विदुरानी ने कहा आजकल तुम्हारे पास मंत्री पद तो है नहीं, फिर तुम गोविंद से कैसे मिल पाओगे? बोले देवी
हम गोविंद से नहीं मिल पाए तो क्या बात है, परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए बस इसको ही हम अपने आप को कृतार्थ समझ लेंगे। विशाल भीड़ में दूर बिचारे खड़े हो गए, एक दीवाल से सिर लगाकर के विदुर विदुरानी दोनों खड़े हैं और गोविंद चारों तरफ नजर डाल डाल कर देख रहे हैं, मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। गोविंद तो हीरे को पहचानते हैं और जैसे ही विदुर जी के ऊपर दृष्टि गोविंद की पड़ी मानो आंखें नव हो गई। महाराज भक्त और भगवान की दोनों की जैसे ही परस्पर आंखें मिली तो नेत्र खुले रह गए, श्वास बंद हो गई और महाराज निरंतर निहारते निहारते आंखों के अंदर से धीरे धीरे आंसुओं के पनारे निकल पड़े। आंसुओं की बौछार निकलती चली जा रही है और एक दूसरे को देख रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, देखो देखो विदुरानी जी, आपने देखो, जरा देखो तो सही, मेरा गोविंद मुझे देख रहा है, मेरा गोविंद मुझे निहार रहा है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, उसकी दृष्टि से मैं कृतार्थ हो रहा हूं। देवी भक्त और भगवान के जब नेत्र मिलते हैं महाराज तो एक दूसरे से नभ हो जाता है शरीर। विदुरानी से कहा, देवी तुम भीतर जाओ, घर में गोबर का चौका लगाना, सारी व्यवस्था करना, मैं जरा देख करके आता हूं पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। जैसे ही उन्होंने देखा कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होगा, मैं जाकर देखूं तो सही, तो सीधे चले गए महाराज। बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, उसमें सभी राजा महाराजा विराजमान हैं, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण कर्ण आदि सभी स्थापित लोग बैठे हुए हैं सभा में। दुर्योधन ने कहा, गोविंद आप अचानक चले आए, आपने सूचना तक नहीं दी, बताओ तो सही आपका आगमन किस कारण हुआ है। बोले दुर्योधन, मैं जो कुछ कहता हूं वो स्पष्ट कहता हूं, पांडव तुम्हारे कौन हैं, काका के बेटे हैं ना। बोले हाँ महाराज। तुम्हारे खास काका के बेटे। बोले हाँ जी महाराज। तो तुम्हारे भाई हुए। बोले हाँ महाराज। तो अच्छा, तुम राज्य के अधिकारी हो तो आधे राज्य के अधिकारी वो भी हुए, परंतु मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम आधा राज्य उनको दे दो, मैं तुमको ये बाध्यत नहीं करूंगा तुमका आधा राज्य उनको दे दो, मैं तो बस इतना कहता हूं मेरे पांडवों के लिए तुम 5 गांव दे दो। कितना मांगा गोविंद ने? बोले 5 गांव दे दो, बस उनसे ही मैं उनका गुजारा कर दूंगा और मुझे आवश्यकता नहीं है उनके लिए कुछ मांगने के लिए। इतना कहना ही था महाराज कि दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया। गोविंद बात करते हो तुम 5 गांवों की? अरे सुच्चे ही नहीं बता स्यामी, बिना युद्धेन के सभा में सौंक की सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा। महाराज आप कहते हो कि 5 गांव दे दो, ऐसा संभव हो नहीं सकता, और यदि चाहिए भी उनको तो मुझसे युद्ध करें और युद्ध में सब कुछ जीत करके ले जाएं, मैं दे सकता हूं। भगवान ने बहुत जोश से उसको हलकारा। तुमने अभी भूमिका देखी है युद्ध? अभी तुमने नानी से कहानी में सुन लिया होगा, दादी से लोरी सुनते, लोरी गाते समय दादी से कहानी में सुन लिया होगा युद्ध। तुम जानते नहीं हो युद्ध की विभीषिका क्या होती है। अरे लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ऐसे समय में परम आदरणीय परमात्मा का सेवन करना कहां की नीति है महाराज। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी परिभाषा क्या है। इतने में महाराज धीरे से हाथ दबा दिया धृतराष्ट्र ने। बोले तुम्हें पता नहीं है, इनको अपने पक्ष में करना है। स्वयं महाराज परमात्मा का स्वागत होने लगा।
बोल राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा 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 श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंदा श्याम सुंदर मुख